नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। देश में रेल सेवा शुरू होने से लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। दरअसल ऐसे तमाम लोग जो अभी भी अपने कार्यस्थल पर फंसे हुए थे ट्रेन चलने की वजह से, वो लोग घरों में लौटने लगे हैं। नरसिंहपुर ज़िले में भी अब ट्रेनों का स्टॉपेज होने लगा है, जिससे कि यहाँ पर रोज़ाना बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर्स की टीम द्वारा उनका चेकअप भी किया जा रहा है। नरसिंहपुर में 5 जोड़ा ट्रेनों का स्टॉपेज शुरू हो गया है, जिसकी वजह से लोग ट्रेन का सफर करके अपने घरों की ओर पहुंच रहे हैं। कोई संक्रमित व्यक्ति ट्रेन में बैठकर यात्रा न कर पाए, इसके लिए लगातार सैनिटाइजर का उपयोग भी साफ सफाई के लिए किया जा रहा है। आज के हमारा जो स्पेशल प्रोग्राम था, जिसमें हम सीनियर DOM के जो आदेशानुसार हमारे जो स्टेशन मास्टर हैं, वो उनका ट्रेनिंग भुसावल में हो रहा था, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रहा था, उसको आज कम्प्लीटली यहाँ पे प्रेजेंट करना था। आपदा प्रबंधन के बारे में पूरे बताना था, और हम आपदा प्रबंधन में जितना भी मैनेजमेंट होता है, CPR देना है, कार्डियोपल्मोनरी सेक्रेशन है, जिसको हार्ट अटैक आना अचानक, इलेक्ट्रिक शॉक हो जाना, पॉइजन तक केसेस में हो जाना, और हमारे सबसे ज़्यादा मेन है कि ट्रेन एक्सीडेंट के समय कैसे हम मैनेजमेंट करते हैं, और साथ में अगर कोई मिर्गी वाला पेशेंट है उसको कैसे मैनेजमेंट करते हैं। इसके अलावा जितना भी कॉम्प्लिकेशंस होता है, जितना भी रोड साइड और इन साइड आउट साइड जो भी एक्सीडेंटल केसेस का होता है, सभी हम इस प्रकार से हम उनको बताया गया है। और स्टेशन मास्टर के अलावा वहाँ पे हम GRP RPF भी आए हैं, ये सारे प्रोग्राम वहाँ जा कर कम्प्लीट किए गए हैं, और साथ में वहाँ पे कुछ हम मास्क भी वितरित करवाएं, जिससे हम कोरोना से संबंधित जानकारी दें और प्रिकॉशंस करें।